ये गड्ढे के बारे में है, रोक गिर रहे, प्रशासन का अंदर ध्यान नहीं है, पहले लोग प्रतिनिधि थे वो तो भी आकर देखते थे, अभी तो ऐसा हाल है कि बस गड्ढे है बस, और कुछ इतनी बारिश हो गई है तो देखने का काम है, और रोड का काम करना जरूरी है, उस लोग भी इतना कम। आप लोगों ने मानापा प्रशासन को कुछ दिए कि नहीं निवेदन वगैरह? निवेदन वगैरह तो मुंडे के एसोसिएशन की तरफ से गए भी है कि गड्ढे बहुत हो गए यहाँ पर, और रोड का पूरा काम करना है, आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया लोगों ने। और क्या है आपका नाम बोलिए सर? मनोज चौंडी है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी आने को इतनी परेशानी हो रही है, इधर से डाले तो उधर से, इधर से डाले तो इधर से, पाटे पूरे टूट जा रहे गाड़ियों के, बड़े बड़े गड्ढे हुए, नालियाँ पूरे भर गई पूरी। आपने प्रशासन को क्या बोलना चाहेंगे? ये प्रशासन को यही बोलना चाहते हैं कि हम की रोड क्लियर करें और गड्ढे, और कि हमारी गाड़ी को तकलीफ ना हो बस। ये जो महानगर पालिका ने रोड अधूरा बना के रखी है, हमारे सामने दुकान के सामने खटिया हो गई है, रोड बनती नहीं है, यार चार पांच रिक्शा वाले गाड़ी वाले उल्टे है, उल्टी होती है, तो उसकी कुछ लेना बोल बोल के हम थक गए, और टैक्स तो जो वसूली को तुम्हारा एक दिन लेट हो गया तो लेकिन शुरू हो जाते हाथ में आना चक्रा मारना। कौन से एरिया का सर? नया मुंडा और जूने मुंडे का चौरस्ते पे है एकदम, जैसे टर्न के ऊपर ही है, तो यहाँ खटके इतने, आप एक बार खुद आके देख लो खटके पे, आपको मालूम पड़ेगा गाड़ी के कितने कितने गाड़ी के चेम्बर टूटे हैं वो खटके की वजह से, फोर व्हीलर के, टू व्हीलर वाले तो रोज गिरते हैं यहाँ पे, रोज उठा के हमको छोटे छोटे एक्सीडेंट में दवाखाने ले जाना पड़ता है। आपका नाम बोलिए सर? कांतिलाल श्रीनिवास मालपानी। नया मुंडा कॉर्नर न्यू संगम ट्रेडर बसई निवास से सुनील बसई बंधु बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मुंडे के अंदर इतना जो नया मुंडा है अंदर, बिल्कुल इतनी हालत है कि इतनी धूल मट्टी, इतने खड्डे, यहाँ पे रोड बना नहीं है। मेहरबानी करो आप सब, आजू बाजू रोड बन गए तो अब यहाँ पे भी रोड बनाने की कोशिश करो। तो अभी तो प्रशासन से क्या अपील है आपकी? प्रशासन से ये बोलेंगे भाई तुमने आजू बाजू के इधर उधर के सब रास्ते बना लिए, उधर जूने मुंडे के बना लिए, तो भाई नए मुंडे उन्होंने क्या पाया? मैंने जूना मुंडा में भी दो रोड खराब देगा। हाँ जो भी होगा बना वहाँ पर भी, ऐसा नहीं कि बना वो हाउथ के पास बना, इधर बना, इधर कुछ नहीं है। नया मुंडा के अंदर जो है ना कुछ भी नहीं है, इतनी धूल मट्टी से परेशान है भैया, मेरी दुकान नीचे है, मैं रहने को ऊपर है, इतनी धूल मट्टी, पानी तुमता, खड्डे इतने, कितने जंतु यहाँ गिरे गाड़ा स्लिप होके। जरा प्रशासन को बोलो ना एक बार चक्कर मार के, तुम सर्वे तो करो, बोलना देखो, बोलना सच क्या झूठ क्या है, जरा आके मुआयना करो, आके क्या बोलेंगे यार, कोई रास्ता बनाओ, ऐसा भी करो, इतना ही रहेगा बस, रहेगा अंदर का, बाकी क्या रहा? ये रोड बहुत बेकार हो गया, धूल मट्टी सब पूरा यहाँ पे, गड्ढे बड़े। तो आप लोगों ने प्रशासन से बात की है कि नहीं? क्या बात क्या हुआ, कोई आ जाए यहाँ पे देखता ही नहीं, इधर इधर उगा बोलता हमारे पीछे का रोड होगा, इधर का रोड होगा बोलता, इधर का अंदर का कोई रोड का ये नहीं बोलता, प्लानिंग में नहीं है बोलते, प्लानिंग नहीं है ऐसा बोलते भाई लोग, तो यहाँ मोटे में ऐसा बोलते हमारे इसमें आए नहीं बोले। तो आपके पास कस्टमर आते कि नहीं? ये रोड की वजह से बहुत तकलीफ है, इधर गिरा तो कोई कहते ही नहीं है, धूल मट्टी की उल्टी किसने की बात नहीं, रोड खराब होने की वजह से गिराक आ रहे हैं, गाड़ियाँ पलटी हो जा रही है यहाँ पे, रिक्शा आ रही तो, और छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होता साइकिल लाने को, बड़े बड़े गड्ढे हुए मुंडे में, यहाँ पे कोई देखता नहीं है। ये मैं ट्रांसपोर्ट वाला बोल रहा हूँ सहराज, ये मुंडे में बहुत खड्डे है, गाड़ियों को उसको तकलीफ हो रही, हर आदमियों को भी तकलीफ हो रही। तो आपने प्रशासन को कंप्लेन की? प्रशासन को ध्यान दे रही नहीं, और कई दिनों से वैसी पे हो। कब से आपको तकलीफ है? बहुत दिन से ही, तो ध्यान दे रही नहीं, आधा रोड मियां भाई के होटल तक बने हुआ, इधर है तो मुंडे गेट तक, बाकी पूरा पट्टा वैसी जो पूरा खराब, हाँ गाड़ियाँ जा रही नहीं, कुछ नहीं, लोडिंग गाड़ियाँ मेंटेनेंस को महंगी। हाँ
रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।